इंदौर में बिरसा मुंडा क्रिकेट स्पर्धा आयोजित की जा रही है। स्पर्धा में आदिवासी युवाओं की 30 से अधिक टीमें हिस्सा ले रही है। आयोजन का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे लाना है। युवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे ने बताया कि क्रिकेट लीग के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र की प्रतिभा उभर कर सामने आई है। वहीं प्रदेश के आदिवासी युवाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। खरे का कहना है, क्रिकेट ही नहीं बल्कि अन्य खेलों में भी आदिवासी युवाओं को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को उसमें एनरोल करके उसके खिलाफ भी एक बड़ा अभियान चलाना प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसे युवा जो कि विशेष प्रतिभा के नाते किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी चयनित कर उन्हें उचित मौके मिल सकें देश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, इसका भी प्रयत्न करेंगे। लगता है जो प्रतिभा है काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसको निखारने की जरूरत है, कुछ और प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। निश्चित रूप से दूसरे खेलों के बारे में मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि जब तक हम लोकल लेवल पर खेल के संसाधन, जैसे ग्राउंड है, अब ये अलीराजपुर और सनावत का मैच चल रहा है, पर अलीराजपुर और सनावत में किसी ग्राउंड पर मेहनत कर जब तक वहाँ संसाधन देना नहीं शुरू करेंगे, तब तक प्रतिभाओं को निखरने में बहुत देरी हो जाती है। तो लोकल, कम से कम जिला स्तर पर इसकी सुविधाएं बढ़नी चाहिए, और जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध भी है।